हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। नमस्कार दर्शक लोग, हम हैं अनूप नारायण सिंह और रौरा सभी के आज मिलवावे जा रहा बानी भोजपुरी के उहे चर्चित गायक और नायक अजीत आनंद जी से, जे एक चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गए रही हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े के बात कह के। तो आज हमारा साथे बानी, तो जान लेवल जाओ कि अब तक लोकसभा के चुनाव बीत गई बा, का एकमा विधानसभा से अजीत आनंद जी चुनाव लड़े, इन्हें के मुंह से सुनल जाओ। अजीत जी का चुनाव लड़े में आपने डाल दिया, ऐसा क्वेश्चन मैंने सोचा भी नहीं था दर्शक लोग यहाँ के पूछे हमारे से। चुनाव लड़ने की इच्छा पर्सनल मेरी नहीं है जी। जो शुभचिंतक लोग हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, जो लोग अपने पे बीड़ा उठाने को तैयार हैं, उनकी इच्छा है कि कह रहे हैं कि भाई आपको लड़ना चाहिए जी। हमने पूछा क्यों लड़ना चाहिए, तो बोले कि आपका एटीट्यूड और जो संस्कार है, जो चाल चलन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस संस्कार में आप पले बढ़े, उससे लगता है कि आप समाज के लिए कुछ करेंगे। और जीवन भर गाना तो होते रहेगा, इसका भी एक पार्ट आपको हिस्सा होना चाहिए। हमने कहा कि इसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन तय नहीं है कि कब लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। लोकसभा के जैसे चुनाव रहा, उस समय महाराजगंज का एक चर्चा के केंद्र बिंदु में रहा, वैसा टावर घोषणा कैले रहस कि हम चुनाव लड़े, लेकिन वैसा गायब भैले कि उनका पार्टी बदल गए। तो का पार्टी पौआ रही कि अजीत आनंद जी अपना पहचान से चुनाव में जाए। बेसिकली हमने के पार्टी पौआ के कोनो अभी जैसे फिक्स दिमाग में रहला, नो चाहे ऑप्शन भी रहला जी, उ नहीं है। ई बात जरूर बाकी चुनाव कहीं ना कहीं लड़े जरूर। बिहार विधानसभा के जो चुनाव अगला वर्ष होके जा रहा बाटे, ऊपर तैयारी रहुरा तरफ से भी चल रहा। देखिए, ओकरा में दुगो जैसे पक्ष दुगो होला, एगो तो खुद के इच्छा होला कि हम लड़े जी, हमारी इच्छा है कि हम लड़ेंगे और फलाने क्षेत्र से लड़ेंगे जी। निर्भर करता है कि सामने जिस संगठन से आपको लड़ना है, जहाँ पे लड़ना है, जिन लोगों के सहयोग से लड़ना है जी, वो कितना अनुकूल है आपके साथ। तो ये मेरे चाहे नहीं, अभी आप रौरा विधानसभा क्षेत्र में वो सर्वे कही गई रहा, वहाँ कोई गो ऐसा स्टार भू स्टार वालो, तो लोग के माने के बाकी अगर अजीत आनंद जैसा साफ सुथरा छवि के लोग आई, तो लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट दी, तो ये लोग के रौरा से अपेक्षा बटे तक ओकरा के पूरा करे। अनुप जी, आज के राजनीतिक परिवेश में सबसे अच्छा बात आज के होल बा, पहले गुंडोई जरा के सबसे बड़ा पैमाना में देखल जाता, ओकरा के नेता मानल जाता जी, नीमन टाइप के लोग के वजह से आई जी। आज के समय परिवेश चेंज हो गए बा, आज ठीक उल्टा हो गए बा जी। जैसे पहले के जमींदार लोग एक समय आया कि भुखमरी टाइप का होने लगा, समय के जैसे चक्र चलेला वही न, गुंडा टाइप के चाहे गुंडाई करे वाला लोग, जे समाज के जे नीचे तबका के जे अंतिम आदमी के टच करे के ओकरा दर्द के समझे के कोशिश ना करे, और वो अपन माने को रुतवा एगो अपना लहर एगो अपन जो हम बनी तोने बनी, तो ऐसा लोग के ऐसा प्रतिनिधि के आज के सामाजिक तौर पे लोग ओकरा के खास करता हटा रहल बटे। तो इसलिए अच्छे छवि वाले के लिए सोचा जा सकता है, और लोग अगर सोच रहे हैं तो एक बार मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एकमा क्षेत्र है बहुत अच्छा क्षेत्र है जी। हम लोग चूंकि हमारे गांव है जी, इसलिए नहीं कि कभी वहां से हमको चुनाव लड़ना पड़ गया तो वो कह रहे हैं इसलिए हम बड़ाई कर रहे, नहीं। नीमच क्षेत्र हमने के बहुत अच्छा क्षेत्र हटे, और उनमें जो एरिया भी बाटे जी, चूंकि कोई अच्छा कह के कारण भी बा कि जौना जगह पे हम पलल बढ़ल बनी, जन्म ले ले बनी, जहाँ पे गाय भैंस चर ले बनी, जहाँ पे बचपन के जो याद बात जीवन के कतनों बड़ा अर्श पर आप चल जाए जी, लेकिन बचपन की यादों को कभी आप वो मिटा नहीं सकते, कभी धूमिल नहीं कर सकता है। तो वहां से उस मिट्टी से मेरा लगाव है, और वो क्षेत्र की बात घुमाओ खुल के कहे के नहीं चाहत, लेकिन राहुल जिस समर्थक बा जे एकदम ओकरा लागत है कि ना अब साफ सुथरा छवि के, चूंकि रौरा भोजपुरी फिल्म से, लोक गायकी से, टेलीविजन से जुड़ल बनिया, जब टेलीविजन पर नजर आवे तो लोग के लगेगा कि हमारे भाई बेटा एगो नजर आ रहा बा। हमरा के अनुप जी, लोग एक बात हमरा के बार बार कहेला, उस चीज हम रिपीट कर रही कि आप जितने अच्छे गायक हैं जी, चाहे जितने अच्छे एक्टर हैं जी, उससे कोई गुना आप एक अच्छे इंसान जी, मुझे नहीं पता ना, लोग रिपीट करते हैं। अब हमको नहीं लगता क्यों बोलते हैं लोग, तो हमको लगता है जब बोलते हैं ना तो इसको मुझे अनुकरण इसका करना चाहिए। और ओकरा बाद और कॉन्शियस होगा नहीं कि अगर होगा हमारे बड़ाई कर देने की अजीत भाई आप तो समाज ही कर, तो हम सोचे लगे नहीं कि यार समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ तो आजकल करना शुरू कर। तो इसलिए
अगर फाइनली आपके बातों का जवाब मैं स्पष्ट दे दूं कि हाँ हम चुनाव लड़े ले बनी, तो वहां पे अगर नहीं हूँ लड़े तो कतने लोग पहले से मिर्ची लग गई जी, आम जनता को नहीं जी, जो मेरे विपक्ष में खड़े होंगे उनको, और वो लाजमी है, वो पर्सनल झगड़ा पर्सनल लड़ाई पर्सनल नहीं, कोई भी कंप्यूटर होता है तो दूसरा। अच्छा एक बात बताएं कि बिहार में जो दू गो बड़का पार्टी बा ललटेन पार्टी या भाजपा पार्टी, तो कौन पार्टी अगर तनी नीति रोड़ा बढ़िया लगेगा? ये तो हॉट हॉट क्वेश्चन आप कर रहे हैं जो सब ना, माने वो आदमी के विचारधारा होला, जैसे मोदी जी बानी तो मुमकिन बा, लालू जी बानी तो सामाजिक न्याय बा, तो कौना धारा में रोड़ा बहे के चाहे? आप समय के हिसाब से हम चलना चाहते हैं जी, जैसा समय है उसके हिसाब से। दर्शक लोग यहाँ के रहनी है अजीत आनंद जी, जैसे बातचीत से लगा था कि काफी सुलझल बनी, यहाँ के अपन पता नहीं खोलत कि कौना पार्टी से चुनाव लड़े कब लड़े, लेकिन यहाँ के माने के बा कि जनता के अपेक्षा अगर बा, अगर ईश्वर ऐसा हमरा के बनैले बारे तो हम वो अपेक्षा से दूर ना भागे, हम अपना दायित्व के निर्वहन करें। तो फिर अगला एपिसोड में मिले जाए दोसर कलाकार के साथ, तब तक खातिर दी विदा, नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.